नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है कि जो CRPF SI की जो ट्रेनिंग हमारी जो चल रही थी CTC मुदखेड़ में, या फिर जितने भी CTCs में जो ट्रेनिंग चल रही थी, उस ट्रेनिंग का जो स्केड्यूल रहता है सुबह से शाम तक, किस तरीके से ट्रेनिंग कम्प्लीट कराई जाती है, उसी के संदर्भ में कुछ जो कमेंट्स हैं मेरे प्रीवियस जो वीडियो थे उस पर आए थे। तो मैंने बहुत से कमेंट्स पढ़े, उसमें काफ़ी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें से मुझे जो लगा कि मुझे कौन सा एक ऐसा टॉपिक चूज़ करना चाहिए जिस पे मुझे वीडियो बनाना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्केड्यूल के बारे में आप सभी लोगों तक अपनी जो बात है वो पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो स्केड्यूल रहता है सुबह से लेकर शाम तक वो किस तरीके से चलता है। तो इसके लिए मैंने जो जितना भी स्केड्यूल है वो मैंने मेरे आईपैड में लिख लिया है। मैं उसकी सहायता लेके आप सभी तक सुबह से लेके शाम तक, और कभी कभी रात को नाइट क्लासेस होती है, उन सभी के बारे में, उन सभी पीरियड्स के बारे में, उन सभी जो भी एक्टिविटीज़ ट्रेनिंग के दौरान, पूरे दिन के दौरान, स्केड्यूल के दौरान होती है, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन होंगे अगले वीडियोज़ के वो आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे मैं मार्कर और रोल कॉल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करूँगा। पीरियड वन, पीरियड टू, इस तरीके से आप चीज़ें समझ लेंगे क्योंकि ये सब स्कूल और कॉलेजेस में चलते हैं। लेकिन जो नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो मार्कर और रोल कॉल है। तो मार्कर और रोल कॉल के संदर्भ में मैं आप सभी लोगों से ये बिंदु पहुँचाना या बताना चाहूँगा कि जो मार्कर होता है वो एक तरीके से जो हमारे स्कूल में असेंबली होती है उसी को हम मार्कर मान सकते हैं। वहाँ पे सभी जितने भी ट्रेनीज होते हैं या फिर जो सर्विस यूनिट्स होती है वहाँ पे भी मार्कर है वो होता है। मार्कर का जो अर्थ है वो अगर हम लेमन लैंग्वेज में यानी साधारण भाषा में समझे तो वो यही होगा कि सभी के सभी जितने भी कार्मिक या ट्रेनीज वहाँ पे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज वहाँ पे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उस इंस्टीट्यूट में, वो सभी के सभी सुबह वहाँ पे जाएंगे, इकट्ठा होंगे और वहाँ पे उन सभी की अटेंडेंस लगेगी। जो BHM साहब होते हैं वो जाके अटेंडेंस लेते हैं और वो आगे रिपोर्ट देते हैं SI एडजुटेंट को, SI एडजुटेंट SM साहब को रिपोर्ट देते हैं, और SM साहब जो है वो सीनियर मोस्ट जो गजेटेड रैंक होती है उनको रिपोर्ट लगती है। और इस तरीके से कमांडेंट और आगे जो हेड ऑफ द ऑफिस होते हैं उन तक की रिपोर्ट जाती है कि कितने जो कार्मिक है और कितने ट्रेनीज है वो सुबह आज के दिन की गतिविधियों के लिए तैयार हैं और वो आज के मार्कर में शामिल थे। तो इसको कहते हैं मार्कर। और जो रोल कॉल होता है वो रात्रि गणना के नाम से भी होता है, जैसे रोल कॉल आप समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से रोल नंबर लेना, पुकारना, ये इस तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन ये भी एक तरीके से रात्रि गणना होती है कि हमारे कैंप में कितने व्यक्ति जो है वो प्रेजेंट है। जो लेकिन मार्कर और रोल कॉल में जो सबसे इम्पोर्टेंट, इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट है वो मार्कर होता है। रोल कॉल जो है उसमें कभी कभी नफरी कम हो जाती है, वो चल सकती है, लेकिन मार्कर मिस करना ये जो है वो उचित नहीं माना जाता है फोर्सेस में। तो चलिए मार्कर के बारे में मैं आपको अब शुरुआत से जो स्केड्यूल है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा मार्कर लगता है जब हम, यानी कि हमें वहाँ पे जाके खड़े हो जाना है उस असेंबली में, वो होता है हमारा जो होता था, मैं आपको बताऊंगा, सर्दियों और गर्मियों का अलग अलग टाइम होता है। मैं अभी आपको गर्मियों का टाइम बता रहा हूँ। तो गर्मियों के समय में 5:45 पे हमें वहाँ जाके खड़े हो जाना होता है और 6 बजे वहाँ पे फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, यानी कि मार्चअप हो जाता है। मार्कर के बाद मार्चअप होता है, यानी कि दिन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो मार्कर जो है हमारा 5:45 पे शुरू होता था, यानी हमें वहाँ पहुँच जाना होता था, 5:45 पे खड़े हो जाना होता था, रिपोर्ट लगनी शुरू हो जाती थी। यानी SI साहब जो है वो रिपोर्ट, या फिर जो हमारे CIs हमारे इंस्ट्रक्टर थे उनको जाके हमारे नंबर्स बताते थे और वो रिपोर्ट धीरे धीरे पहुँचती थी। तब तक छः बज जाते थे और उसके बाद जो मार्चअप है उसका आदेश आता था और वहाँ से हम PT के पीरियड वन के लिए रवाना वहाँ से हो जाते थे। अब मार्कर से पहले, यानी कि 5:45 पे वहाँ पहुँचने के लिए आपको उससे पहले उठना पड़ेगा, यानी कि लगभग 5 बजे, या फिर कई जो लड़के होते हैं वो 4:30 बजे भी जो नहा धोकर उस तरीके से होते हैं, लगभग उस वक्त खड़े हो जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। और उसके बाद में कभी कभी होता है कि हमें मार्कर में जाने से पहले हमारे जो हथियार होते हैं कोच से वो भी निकालने पड़ते हैं। तो बड़ी वाइज वहाँ पे सिस्टम रहता है, तो यानी एक बड़ी सुबह जाएगा और जो हथियार निकालेगा कोच से, तो इसलिए उसको जल्दी उठना पड़ता है, 4:30 नहीं तो
4:50 4:40 तक वो अपनी सहूलियत से कितना आप जल्दी काम कर सकते हैं उस तरीके से जो जो ट्रेनीज होते हैं वो वहाँ पे जाग जाते हैं और उस हिसाब से अपना काम अंजाम देते हैं। और इसके बाद में होता है फर्स्ट पीरियड, यानी कि फर्स्ट पीरियड पीटी का होता है, यानी एक पीरियड पीटी चलेगी, उसमें रनिंग वगैरह कभी फास्ट रनिंग पीटीआई पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो आपकी जो रनिंग है या फिर जो ट्रेनिंग है सुबह 2 पीरियड पीटी है वो किस तरीके से करवाई जाती है। आदेश होता है कि पीटी नॉर्मल कराई जानी है तो पीटी नॉर्मल होती है, और कभी आदेश होता है कि नहीं ढंग से पीटी करानी है तो पीटी ढंग से भी होती है। तो इस तरीके से पीटी के सुबह 2 पीरियड होते हैं जिसमें जमकर पीटी होती है। सामान्यतः देखा यह जाता है कि लगभग पहले पीरियड में थोड़ी कभी जॉगिंग, कभी धीरे धीरे चलना, कभी रनिंग करना, इस तरीके से लगभग एक पीरियड रनिंग में निकल जाता है और लगभग अगला जो पीरियड होता है उसमें, या फिर यानी जो पहला पीरियड है उसके आखिरी का कुछ समय और अगला एक पीरियड वहाँ पे एक्सरसाइज, यानी कभी सिटअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, और अलग अलग तरीके की क्रंचेज हो गए, या फिर साइड जंप्स हो गए, प्लैंक हो गया, इस तरीके से एक्सरसाइज कराई जाती है। ये 2 पीरियड पीटी के हो जाते हैं। पीटी के 2 पीरियड के पश्चात जो है ब्रेकफास्ट का टाइम आता है। तो जो पीटी का जो पीरियड होता है वो 6 बजे मार्चअप से लेकर 7:30 बजे तक पीटी के 2 पीरियड चलते हैं, और उसके बाद 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है। 7:30 हमें, यानी कि हमें ग्राउंड से छोड़ा जाएगा, उसी में हमें वहाँ पे जो है मैस तक पहुँचना है, अपनी यूनिफॉर्म चेंज करनी है अगले पीरियड के लिए, जो कि 3rd पीरियड में अभी आपसे उसकी चर्चा करूँगा, उसके लिए यूनिफॉर्म भी चेंज करनी है, नाश्ता भी करना है, और फिर उसके बाद में 8:30 बजे वहाँ पे फॉल इन होगा। एक बार फिर से जो इंस्ट्रक्टर होगा वो फॉल इन वहाँ पे लेंगे, तो उस फॉल इन में खड़ा भी हो जाना, यानी कि लगभग कुल मिला के 40 मिनट का हमें टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। आधे घंटे का टाइम, मतलब कि आप बैरक में जाके करेंगे नाश्ता, तो लगभग लड़के 10 मिनट से 5 मिनट में करके निकल जाते हैं, बाकी अपनी यूनिफॉर्म लगाना और वहाँ से निकलना होता है। फिर उसके बाद में 8:30 बजे वहाँ पे फॉल इन हो जाता है, और वहाँ पे वापस से फिर से काउंटिंग होती है कि कितने जो ट्रेनीज है वो वहाँ पे पहुँचे हैं, और उनकी काउंटिंग के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। आगे की प्रक्रिया ये होती है कि 2 पीरियड हमने सुबह पीटी के निकाल दिए, अब 3rd पीरियड यहाँ पे शुरू होता है। अब पीरियड यहाँ पे जो है टोटल 4 पीरियड यहाँ पे आपके फिर से जो है काउंट किए जाते हैं, यानी कि 4 पीरियड आपके यहाँ पे लगते हैं। 8:30 से 11:30 बजे तक 4 पीरियड, यानी कि सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक आपके 4 पीरियड लगेंगे, और वो 4 पीरियड अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। शुरुआत में ड्रिल के पीरियड्स ज़्यादा होते हैं, उसके बाद में वेपन में भी अलग अलग पीरियड्स होते हैं, कभी पिस्टल का पीरियड होता है, कभी इंसास का होता है, कभी AK-47 का पीरियड आ गया, या फिर डिफरेंट जो वेपन्स होते हैं, ग्रेनेड्स होते हैं, उनकी क्लासेज वहाँ पे, जो डी पोस्ट होता है वहाँ पे क्लासेज चलती है। और इसके दौरान कभी कभी ये 4 पीरियड सारे के सारे पिस्टल और इन सब के होते हैं, और कभी कभी इनमें लेक्चर्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो हैं लेक्चर्स होते हैं, कभी लो के लेक्चर्स आ जाते हैं, कभी आईडी के लेक्चर्स होते हैं, कभी मिसलिनियस, कभी जीके, इस तरीके से बहुत सारे जो लेक्चर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसमें दिए गए हैं और उनको कवर किया जाता है। तो ये 4 पीरियड यहाँ पे जो है लेक्चर्स के हो जाते हैं। इसके बीच में ब्रेक्स भी होती है, लगातार पीरियड नहीं होते, हर एक 45 मिनट के पीरियड के बाद लगभग 5 मिनट का एक ब्रेक मिलता है, जिसमें आप अपने डीप पोस्ट से उठ के फ्रेश होने के लिए अगर आप कोई रिफ्रेशमेंट लेके आए तो उसे कंज्यूम कर सकते हैं, वरना इसके बाद एक 15 मिनट का बड़ा ब्रेक होता है 2 पीरियड के बाद में, 8:30 के 2 पीरियड के बाद में एक 15 मिनट का बड़ा ब्रेक होता है, जो उसे टी ब्रेक बोलते हैं, उसमें चाय आती है और बिस्किट आते हैं। तो ये लगभग 4 पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं 11:30 बजे तक, यानी कि अभी हमारे लगभग 11:30 बजे तक का जो स्केड्यूल है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो जो इवेंट होती है वो होती है रेस्ट, जो कि जितने भी ट्रेनीज होते हैं उन सब के लिए ये एक तरीके से बहुत ही सुखद समय होता है, जब वो अपने रूम में, अपने बैरक में वापस जाने वाले होते हैं 4 पीरियड की कठिन ट्रेनिंग के बाद में, अब उनको छोड़ने का समय आ गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, 11:30 बजे सिर्फ जो कागज़ है उसमें बोला गया है कि आपका ये टाइम है आप, लेकिन इसके लिए लगभग 12:30 एक घंटा आराम से लग जाता है आपको अपने बैरक में जाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि फिर से वापस आपको इकट्ठा किया जाता है, आपकी गिनती की जाती है,
यानी कि फिर से जो चीफ इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके द्वारा इकट्ठा किया जाता है और आपकी गिनती की जाती है। गिनती करने के बाद में वापस बड़ी सिस्टम होता है, यानी जो सुबह राइफल निकाल के लाया था या जो सुबह वेपन निकाल के लाया था, अब कोथ में उसे कोथ में उसको वापस जमा कराने की बारी आ जाती है। तो अब जो सुबह निकाल के लाया था वो वापस नहीं लेके जाएगा, अब जो सुबह नहीं लेके आया था जो यानी जो बैरक में था वो जाएगा कोथ में उस वेपन को लेके, और जो लड़का सुबह राइफल जो वेपन लेके आया था वो जाएगा बैरक में उसका अपने बड़ी का सामान लेके। साथ में सामान भी होता है क्योंकि जूते हो गए आपके, जो भी सामान यूनिफॉर्म कभी कभी चेंज करनी पड़ती है, तो आपका लगभग एक थैला एक बैग होता है वो आपके साथ में होता है। तो जो आपका बड़ी जो खाली हाथ है बैरक में जाने वाला है वो आपके उस बड़ी की जो बैग है वो लेके जाएगा, जो कि अभी आपका जो वेपन है वो कोत में जमा कराने वाला है। तो इस तरीके से चलता है। तो लगभग 12:30 बजे एक घंटा इस पूरी कार्यवाही में लग जाता है, और कभी कभी वो छोड़ते भी नहीं है जल्दी, अगर कोई है इनडिसिप्लिन काम हो जाता है तो जल्दी नहीं छोड़ा जाता है। तो इसके बाद लगभग 12:30 बजे हम बैरक में पहुंचते हैं और खाना वहाँ पे शुरू हो जाता है। अब जो ड्यूटीज़ है वो अलग अलग है, बांटने वाले जो होते हैं वो भी ऐसे ट्रेनिंग ही होती है, लगभग हर स्क्वाड में जो बटे हुए हैं उनकी ड्यूटीज़ लगती है। तो वो लड़के वहाँ पे जो स्क्वाड लीडर है वो उनकी ड्यूटी लगाता है और वहाँ पे वो खाना बांटते हैं। और इसके बाद फिर से लगभग खाना खाते हुए या फिर जो जो भी मैस की जो डिसिप्लिन है यानी मैस की जो पूरी एक्टिविटी होने में लगभग 1 बज जाता है, और 1 बजे जो लड़का है वो फ्री हो जाता है, और लगभग 3:30 बजे तक अब वो उसका टाइम है। कोई पढ़ने वाला है वो पढ़ाई करता है, उसमें कई लोग है वो अपने खाना खाते हैं, कई लोग जो है पढ़ाई करते हैं, कई लोग है वो मोबाइल चलाते हैं अपने घर पे बात करते हैं, कई लोग है अपने जो फ्री टाइम के जो काम है वो उन सभी कामों को XYZ कोई भी काम आप है वो आप अपने इस टाइम में 1 बजे से लेकर 3:30 बजे के टाइम में कई लोग है वो सो जाते हैं। मैक्सिमम जो लोग है वो लगभग सो जाते हैं, कई लोग नहाते हैं, यानी XYZ जो भी मैंने आपको बताया वो सारा काम 3:30 बजे तक, 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वो सारा का सारा काम होता है। लगभग 2.5 घंटे का समय यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो उस 2.5 घंटे में कई लोग पढ़ाई भी करते हैं और कई लोग अपना सारा काम करते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट पीरियड यानी लेक्चर्स होंगे वो 3:45 से 6 बजे तक वो क्लासेस चलेगी, 4 पीरियड चलेंगे, लेकिन 3:30 बजे हमें अपना हमारे बैरक से निकल जाना होता है। 3:15 पे विसल लगेगी और सीनियर जो होता है वो विसल बजा देता है और 3:30 बजे तक सभी अपना बैरक छोड़ के चले जाते हैं। 5 मिनट ऊपर नीचे चलता है क्योंकि 3:45 तक जो है लेक्चर शुरू हो जाएगा। तो 3:45 पे लेक्चर शुरू होने से पहले लड़के वहाँ पे निकल जाते हैं और 3:45 पे वहाँ पे क्लास शुरू हो जाएगी शाम 3:45 पे, और वहाँ पे फिर उसके बाद 3 लेक्चर्स के पीरियड हैं वो चलेंगे। वहाँ पे मैक्सिमम जो लेक्चर्स चलते हैं वो CRPF, एक्ट एंड रूल, लॉ यानी लॉ में BNS, BNSS, एविडेंस एक्ट और मिसलिनियस सब्जेक्ट्स है ना, ह्यूमन राइट्स, IET, और इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स है जो मॉड्यूल में एस्टेब्लिश किए गए हैं उन सभी के ऊपर क्लासेस चलती है। ये सब होने के बाद यानी कि ये 3 पीरियड 45-45 मिनट के 3 पीरियड होने के बाद, इसमें भी 5-5 मिनट का बीच में ब्रेक मिलता है, 3 पीरियड होने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है और आपका 1 पीरियड गेम्स का होता है। कभी कभी गेम्स का पीरियड नहीं भी होता है अगर एक्स्ट्रा क्लास लेक्चर की लगानी होती है तो, लेकिन यहाँ पे गेम्स के पीरियड होते हैं। गेम्स के दौरान जो लड़के हैं वो अपने गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, कोई लोग जिसको बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है वो बास्केटबॉल में जाता है, या कई बार इस तरीके से होता है कि इंटरेस्ट के तौर पर ना छोड़ के स्क्वाड वाइज हर स्क्वाड एक स्क्वाड 20 की स्ट्रेंथ का होता है, तो उसको जो CI होते हैं वो अपने हिसाब से खेलने के लिए छोड़ देते हैं। और कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा वर्क के लिए अपने ही ग्राउंड के मेंटेनेंस के लिए अलग से रखे जाते हैं, ये भी काम जो है वो ट्रेनिंग ही अपने ग्राउंड की जितनी भी सफाई है वो भी ट्रेनिंग ही खुद करते हैं क्योंकि उन्हें खुद ही वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करना है, तो ये काम भी सभी जो ट्रेनिंग है वही ये सारे के सारे काम करते हैं। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे 100 जनों की एक विंग है तो उसमें कुछ जैसे 20 जने हैं वो वॉलीबॉल खेलने चले गए, कुछ लड़के बास्केटबॉल, कुछ क्रिकेट, कुछ स्विमिंग में चले गए कभी कभी, और कुछ लड़के हैं वो जिम में चले गए, और अगर 15-20 लड़के बच गए हैं तो वो लड़के वहाँ पर मेंटेनेंस और इस तरीके के काम में भी जो है वो वहाँ पर अपनी अटेंडेंस देंगे। तो इस तरीके से ये सारा का सारा काम स्पोर्ट्स का पीरियड है उसमें होता है।
और उसके बाद जो है वो होता है रोल कॉल। रोल कॉल का मतलब है कि रात्रि गणना, यानी कि रात्रि गणना के लिए 6 बजे एक विसल लगती है, यानी 5:55 मान लीजिए, 5:55 के आसपास विसल लगती है और आपको विदिन 2 मिनट वहाँ पे जाके खड़ा होना होता है। तो लगभग 5 मिनट के आपको वहाँ पे जाके खड़ा होना होता है, एक मतलब कि पूरी डिसिप्लिन के साथ में, मतलब 10-10 की या 5-5 की लाइन के अंदर आपको अपनी पूरी विंग को खड़ा करना होता है और उसके बाद में आपको अपनी जो भी काउंटिंग है वो अपने इंस्ट्रक्टर उस्ताद को देनी होती है और उसके बाद वो रिपोर्ट आगे तक वापस, जैसे मैंने आपको मार्कर में बताई थी उस तरीके से सारी की सारी वापस प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से ये पूरे दिन का स्केड्यूल रहता है। और इसके बाद में कभी कभी जब नाइट क्लास होती है तो रोल कॉल नहीं होता, रोल कॉल स्किप हो जाता है हमारा, हम सीधा का सीधा 6 बजते हैं तब छूट जाते हैं और हम जाते हैं हमारे वहाँ पे बैरक में जाते हैं और वहाँ पे वापस नाश्ता वास्ता या खाना पीना या फिर नहा धो के जो भी होता है, कुछ लड़के क्लास से पहले नहाते हैं, कुछ लड़के क्लास के बाद नहाते हैं, तो ये खाते हैं नहाते हैं जो भी करना होता है, तो ये सारा का सारा जो जो स्केड्यूल है ये पूर्ण हो जाता है। कभी कभी जो क्लासेज होती है वो लगभग नाइट क्लास होती है वो 7:30 से शुरू होती है, तो जो क्लास 7:30 से शुरू होती है वो लगभग 8:30 बजे तक लगभग ख़त्म होती है और कभी कभी 8:30 से थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है। और उसके बाद में सभी जाते हैं, कुछ लड़के पहले खाना खा चुके होते हैं क्लास से और कुछ लड़के बाद में, और उसके बाद में वापस जो है जो ट्रेनीज हैं वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अब वो उनका टाइम है, मैक्सिमम लोग सो जाते हैं, कोई घर पर बात करने वाला है वो घर पर बात करते हैं। और इसी तरीके से अगले दिन वापस जो है मार्कर के लिए वापस से मैसेजेस है वो ग्रुप्स में आ जाते हैं और उसके बाद में आगे की कार्रवाई अगले दिन उसी तरीके से होती है जो मैंने आपको स्केड्यूल बताया। तो ये रहता है ट्रेनिंग के दौरान पूरा का पूरा स्केड्यूल, डे जो होता है पूरा दिन होता है वो बहुत ही पैक रहता है और बहुत से लड़के होते हैं जो बहुत से लड़के इस तरीके से भी होते हैं कि बीमार हो जाते हैं तो वो सिक रिपोर्ट भी चले जाते हैं और कभी कभी जो नाइट क्लास है उसमें भी कुछ लड़के होते हैं जो बीमार होते हैं उनको बोल दिया जाता है सीआई की तरफ से कि चलो आप रेस्ट कर लो और सारी चीज़ें समझी जाती है ट्रेनिंग में। जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उस्ताद है वो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं और जो ढंग के लड़के होते हैं जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है उनको समझा जाता है और जो मकरा होता है, यानी मकरा यानी कि जो बहाने बनाता है, जो आलस करता है, उसको फिर उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा ट्रेनिंग के एक दिन का पूरा स्केड्यूल। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरीके से ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के जो पीरियड्स हैं उनको किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेगी। इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप तक वो जानकारी पहुँचाऊँ। तो वीडियो अगर आपने अंत तक देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे भी इसको फैलाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।